इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक हैं अपरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। नमस्कार, मैं दीपराज राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रयास के कारण आज देश के स्किल इकोसिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के जरिए युवाओं को कुशल बनाया जा रहा है। भारत सरकार के स्किल इंडिया के जरिए चल रहे इन्हीं कोशिशों की जानकारी देने का प्रयास करते हैं आपकी बात कार्यक्रम से। आइए पहले एक नजर डालते हैं आज के हाइलाइट्स पर। भरतपुर में सफल हुआ कौशल महोत्सव, 2400 से अधिक युवाओं को मिले रोजगार के अवसर, स्किल इंडिया मिशन का असर। भरतपुर में कौशल महोत्सव से युवाओं को नौकरियों की सौगात। भरतपुर कौशल महोत्सव से युवाओं ने बढ़ाया करियर संवारने के लिए एक कदम। एनएसडीसी ने भरतपुर कौशल महोत्सव के माध्यम से कंपनियों और युवाओं को जोड़ा। स्किल इंडिया डिजिटल हब, राजस्थान के युवाओं को 5 दिवसीय जॉब रेडीनेस प्रोग्राम। भारत सरकार की पहल, विशेष आवश्यकता वाले युवाओं को भी मिले रोजगार के अवसर। 7वें इंडस्ट्री अकादमिया एनुअल कॉन्क्लेव में भारत को विश्व कौशल राजधानी बनाने पर हुई चर्चा। शिक्षण संस्थानों और उद्योग जगत के मिलकर काम करने से मिलेगी कौशल विकास को गति। ऑटोमोबाइल उद्योग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाए का प्रोजेक्ट सक्षम। हीरो मोटोकॉर्प और ASTC की खास पहल, महिलाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण पर जोर। प्रोजेक्ट सक्षम, ऑटोमोबाइल सेक्टर में महिलाओं को सशक्त बनाने की खास मुहिम। दोस्तों, सफलता आपकी पहले से की गई तैयारी पर निर्भर करती है, इसीलिए अगर युवा स्किल्ड होकर किसी काम की शुरुआत करे तो सफलता का मिलना तय। युवाओं को स्किल करने के लिए कौशल प्रशिक्षण देने का भरपूर प्रयास हो रहा है स्किल इंडिया के जरिए, जिसके परिणाम भी नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और NSDC युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में 19 नवंबर को राजस्थान के भरतपुर में कौशल महोत्सव का सफल आयोजन किया गया, जिसमें 2400 से अधिक युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों के जॉब ऑफर मिले। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री जयंत चौधरी ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की और सफल उम्मीदवारों को अपने हाथों से नौकरी के ऑफर लेटर दिए। भरतपुर के हमारे जो यूथ शक्तियां आई है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे तो याद नहीं है कि भरतपुर में कभी इस तरह का आयोजन हो पाया। इस बड़े स्केल पे और पैमाने पे पहली बार इस क्षेत्र में, और ये बैकवर्ड इलाका है ईस्टर्न राजस्थान का, अनेकों समस्याएं हैं, और इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान सरकार भी इसको एक मॉडल के तौर पे लेकर के इस तरह के कई आयोजन और करे इस क्षेत्र में भी और पूरे राजस्थान में, और भारत सरकार और हमारा मंत्रालय पूरी तरह से इसका सहयोग करेगा। भरतपुर कौशल महोत्सव के जरिए NSDC ने कंपनियों और कैंडिडेट्स को एक मंच पर लाने में कामयाबी हासिल की। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से युवा पहुंचे और कौशल महोत्सव में भाग लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया। इस कौशल महोत्सव में ई कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट और जेप्टो, बर्गर किंग, ब्रांड बारबेक्यू नेशन सहित अन्य प्रमुख कंपनियों के साथ मिलकर भरतपुर कौशल महोत्सव में 20,000 से अधिक नौकरियों की पेशकश की गई थी। इस कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के मंत्री के बिश्नोई और सुरेश सिंह रावत समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। कौशल महोत्सव बहुत ही शानदार एक विजन से भरा हुआ ये कार्यक्रम आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तो ठीक आज से 10 वर्ष पूर्व इस दिशा के अंदर देश को उन्होंने युवाओं की चिंता करते हुए कौशल विकास के बारे में सोचा और एक उपहार आने वाली युवा पीढ़ी को दिया।
युवाओं की चिंता करते हुए इस उत्सव के यहाँ पर शुरुआत भी करी। पिछले एक महीने में भरतपुर के 3,500 से ज्यादा युवाओं ने स्किल इंडिया डिजिटल हब सिद्ध पर पंजीकरण कराया और 5 दिवसीय नौकरी तैयारी कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें सॉफ्ट स्किल्स और असेंबली लाइन ऑपरेशंस और कस्टमर केयर जैसे जॉब रोल के लिए प्रशिक्षण शामिल था। 5 दिवसीय गहन जॉब रेडीनेस प्रोग्राम का समापन मेगा भर्ती मेले कौशल महोत्सव के साथ हुआ। इस मेगा भर्ती मेले में 3,000 से ज्यादा युवा वॉक इन इंटरव्यू के लिए उपस्थित हुए थे। आज एक महीने से जो जॉब रेडीनेस प्रोग्राम चल रहा है उसका समापन है। पिछले एक महीने में हमने 15 ट्रेनिंग सेंटर भरतपुर जिले में स्थापित किए। इसमें हमने हर उस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनर प्रोवाइड किए जिन्होंने सॉफ्ट स्किल्स, इंटरव्यू की तैयारी, अपना रिज्यूमे कैसे बनाना और कैसे इंटरव्यू देना है, इस तरह की तैयारी की। जॉब रेडीनेस प्रोग्राम का उद्देश्य राजस्थान के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना और जिले को कुशल कार्यबल विकास केंद्र के रूप में स्थापित करना था। राजस्थान और पड़ोसी क्षेत्रों की कंपनियों ने इसमें भाग लेकर स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है। कौशल महोत्सव में पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग, आईटी, आईटीईएस, ऑटोमोटिव, बीएफएसआई और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों के निगम शामिल थे। पहली बार भरतपुर के इतिहास में माननीय जयंत चौधरी जी के मार्गदर्शन में, उनकी लीडरशिप में, जब से इन्होंने इस मंत्रालय को संभाला है तब से नवाचार कर रहे हैं और इस रूप में बड़ी खुशी का मौका है और मैं इसके लिए स्थानीय विधायक के रूप में आपको धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय जयंत चौधरी जी को कि मेरे अनुरोध को स्वीकारा और उसके तहत हमारे जो युवा बेरोजगार हैं, जो शिक्षित बेरोजगार हैं, हजारों की संख्या में हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी दी, अवसर दिया, प्लेटफॉर्म दिया। स्किल इंडिया मिशन के कारण स्पेशल नीड्स के युवाओं की प्रतिभा भी निखर रही है। भारत सरकार की पहल के कारण इन्हें इनकी रुचि के अनुसार स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है और फिर कौशल महोत्सव में इन्हें अलग अलग कंपनियों में साक्षात्कार के मौके दिलवाए गए, जहां इन स्पेशल नीड्स के युवाओं ने अपनी प्रतिभा को दर्शाते हुए सफलतापूर्वक जॉब हासिल किए। हजारों के तादाद में यहां के नौजवान स्थानीय स्तर पर नौकरी चाहते वो आगे आए। एक महीने से उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, पंजीकरण हुआ, 13,000 बच्चों ने पंजीकरण किया, 3,000 बच्चों को हमने एम्प्लॉयबिलिटी के लिए ट्रेनिंग करी, कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे अपना रेज्यूमे लिखना है, कंपनीज के जो जानकारी मांगेंगे कैसे अपने आप को प्रेजेंटेशन उसमें देना है। और मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आज का दिन जब तक खत्म होगा 2,500 बच्चों को ओपन लेटर भी मिल गया, 50 से ज्यादा कंपनियों ने भाग लिया। भारत आज दुनिया का सबसे युवा आबादी वाला देश है। ये युवा अपने देश के विकास में अपनी पूरी भागीदारी निभाएं, इसके लिए बहुत जरूरी है कि इन्हें न सिर्फ कौशल प्रशिक्षण दिया जाए बल्कि रोजगार दिलाने में भी इनका पूरा सहयोग किया जाए। लगभग 3,500 से ज्यादा युवाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया, 20,000 से ज्यादा जॉब यहाँ 50 से ज्यादा कंपनियों ने प्रोवाइड किए और आके इंटरव्यू लिए। इसके द्वारा कम से कम 1,500 से 2,000 के बीच में जो बालक हैं उनको जॉब ऑफर भी मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं को रोजगार हासिल करने के अवसर मिलने के साथ उद्यमिता की संस्कृति का भी पोषण हो रहा है। स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना और स्टैंडअप योजना जैसी पहलों ने युवाओं को उद्यमिता के अपने सपनों को साकार करने के लिए सशक्त बनाया है। मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे स्किल इंडिया मिशन ने युवाओं को अपने सपनों को साकार करने और स्वतंत्र भारत में आगे बढ़ने का एक अनूठा अवसर दिया है। हमारे युवाओं को अपनी जिंदगी सवारने और अपने सपनों को पूरा करने के भरपूर मौके मिले और यही प्रयास है स्किल इंडिया मिशन का। सफलता और कौशल विकास की कहानियां आगे और भी है, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर देखेंगे। 7वीं इंडस्ट्री अकादमिया एनुअल कॉन्क्लेव में भारत को विश्व कौशल राजधानी बनाने पर हुई चर्चा। अरे राकेश, विनय इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था, वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले ली? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चला जा, मेरे मामा से मिलाता हूँ अभी।
अरे चल ना चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आ ना चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार वो नौकरी का। तो ये रहे हमारे मामा। NAPS नेप्स यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई स्किल इंडिया का नेप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर सवार लो तुम्हारा कल अपने आप सवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अपस्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@ssc.amh.com या देखें वेबसाइट www.ssc.amh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर रविवार शाम 5:30 दीप राज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात। दोस्तों आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है और यही कारण है कि आज देश के कुशल युवाओं की डिमांड पूरे दुनिया में पड़ रही है। युवा इन अवसरों का भरपूर लाभ उठा सके इसके लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है। अकादमिक और इंडस्ट्री को एक मंच पर लाने के लिए फेडरेशन फॉर वर्ल्ड एकेडमिक्स की ओर से नई दिल्ली में 7वें उद्योग अकादमिक वार्षिक सम्मेलन 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी असेंडिंग द कर्व विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में शिक्षा उद्योग और उद्यमिता से जुड़े 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF और NEC के चेयरमैन प्रोफेसर अनिल डी सहस्रबुद्धे ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वी शुड हैव एक्टिव पार्टनरशिप विद इंडस्ट्री इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग स्टार्टिंग फ्रॉम करिकुलम डेवलपमेंट आल्सो इन टर्म्स ऑफ गिविंग स्टूडेंट्स रिच projects which will enrich students in terms of what industry is requiring to variety of support systems that industry can bring including scholarships equipment grant csr all of that you must have a strong partnership is mauke par fwa ke president dr irfan a rizvi iim jammu ke nideshak dr bs sahay iim nagpur ke nideshak professor bhimaria metri और जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर के कुलपति प्रोफेसर कर्नल SS सारंग देवोत समेत अन्य लोग शामिल थे। एजुकेशन जो है आधार स्तंभ है विकसित भारत के लिए। फाउंडेशन जो है ये हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर देयर एंड आज का कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए ऑलराउंड आदमी आर्ट एंड साइंस दोनों आना चाहिए। ओनली डोमेन नॉलेज से चलता नहीं इसलिए ये मल्टीडिसिप्लिन इन होलिस्टिक एजुकेशन ये हमारा NEP का मूलभूत सिद्धांत है। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 में स्किल के महत्व का काफी ध्यान रखा गया है। देश के स्किल इकोसिस्टम में एक बदलाव लाने की कोशिश की गई है। अगर इंडस्ट्री का साथ शिक्षण संस्थानों को मिले तो इस पहल से और गति मिल सकती है। युवाओं को कुशल बनाने के लिए किस तरह कदम उठाने की जरूरत है इस पर विस्तार से चर्चा इस कॉन्क्लेव में की गई। बच्चों को हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दें। किताबी पढ़ाई बहुत जरूरी है मानते हैं तो फंडामेंटल्स बहुत जरूरी है बट फंडामेंटल के साथ साथ उनको कैसे यूज करना है उसका हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो है बच्चों को काफी नॉलेज देती है। उन्हें पता चलता है कि उस नॉलेज को लेके वो किसी भी तरह का काम उससे रिलेटेड काम वो आराम से कर सकते हैं तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। उनके अंदर ये आता है कि हम इस चीज को कितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं। सो इस तरह से ये NAPS वगैरह के जो भी रेगुलेशंस आए हैं
ये काफी हद तक इम्पोर्टेंट है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। भारत में स्किल इकोसिस्टम के बहुमुखी विकास के लिए बहुत जरूरी है कि इंडस्ट्री और शैक्षणिक संस्थान मिलकर काम करें और शैक्षणिक संस्थान इंडस्ट्री की डिमांड के अनुसार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करें तो इससे दो तरफा लाभ होगा। एक तो युवाओं को जॉब मिलने में परेशानी नहीं होगी, वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्री को भी अपनी जरूरत के अनुसार कुशल युवा मिलने में आसानी होगी। तो अभी स्किल इंडिया जो प्रोग्राम है उसके तहत हर लेवल पे प्राइमरी से सिक्स स्टैंडर्ड के बाद इवन टेंथ ट्वेल्थ एंड हायर एजुकेशन एवरी लेवल वहाँ स्किल कोर्सेस इंट्रोड्यूस किया गया है एंड अभी उसका काम भी चल रहा है। तो हमारे पास पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन, बाकी जगह एजिंग पॉपुलेशन, एंटायर वर्ल्ड इज लुकिंग नॉट ओनली फॉर द मार्केट बट दे आल्सो लुकिंग फॉर इंडियंस टू वर्क फॉर अदर कंट्रीज फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कॉन्क्लेव में शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित किया गया। इसमें देश भर के अलग अलग हिस्सों की यूनिवर्सिटी, अकादमिशियन, इंडस्ट्री लीडर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स आदि शामिल थे। एम्प्लॉयबिलिटी और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर इतनी चर्चा चल रही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये बात समझना कि आज जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने ये जो एक NEP के द्वारा जो एक स्किल एजुकेशन को लेके कंट्री में एक मूव चलाया है उससे इतने सारे स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयबिलिटी की अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं। इंडस्ट्री अकादमिया एनुअल कॉन्क्लेव देश भर के शिक्षाविदों और इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां वो इनोवेटिव आइडियाज एक दूसरे के साथ साझा करते हैं जिससे युवाओं को फायदा मिले और भारत अपने कुशल कार्यबल के जरिए विश्व कौशल राजधानी बन सकता है। 7वां उद्योग अकादमिया वार्षिक कॉन्क्लेव शिक्षा जगत, उद्योग और स्टार्टअप के बीच संवाद को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावशाली मंच साबित हुआ। दोस्तों, जब हुनर की शक्ति का साथ होता है तो सफलता मिलना आसान होता है। हुनर और सफलता की कहानियां आगे और भी हैं, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखेंगे। ऑटोमोबाइल उद्योग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएगा प्रोजेक्ट सक्षम। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे, उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉयज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@ssc.amh.com या देखें वेबसाइट www.ssc.amh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया, आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर रविवार शाम 5:30 बजे दीप राज राणा के साथ DD नेशनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात। दोस्तों, आपने महान वैज्ञानिक एडिसन के बारे में सुना होगा। कहते हैं वो बल्ब बनाने में 10,000 बार फेल होने के बाद सफल हुए। अगर एडिसन असफलता से घबरा कर प्रयास करना छोड़ देते तो क्या उन्हें कभी कामयाबी मिलती? शायद नहीं। यह हम सभी के लिए एक प्रेरणा है
कि प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप लगातार मेहनत करते रहते हैं तो सफलता मिलना तय। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ ऑटोमोबाइल उद्योग भी तेजी से विकास कर रहा है। इस विकास के साथ साथ स्किल्ड वर्कफोर्स की मांग भी बढ़ रही है। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई पहल की जा रही हैं, जिनमें से एक है ASDC यानी ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल और हीरो मोटोकॉर्प की संयुक्त पहल प्रोजेक्ट सक्षम। ये एक ऐसी पहल है जो न सिर्फ कुशल कार्यबल की कमी को पूरा कर रही है बल्कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। सक्षम जो प्रोग्राम है वो खास करके औरतों के लिए बनाया गया है। ये हीरो मोटर कॉरपोरेशन के फंडिंग से सक्षम में हम करीब 4,000 औरतों को डीलरशिप, हमारे जो ऑटोमोटिव डीलर्स हैं उनके यहाँ पे अलग अलग काम है, जैसे ऑफिस का काम है, मार्केटिंग का काम है, टेली ऑपरेटर का काम है और सर्विस टेक्नीशियंस हैं। तो इन ऐसे सब जॉब के लिए इन 4,000 औरतों को करीब 20 स्टेट से हम उनको इकट्ठा कर रहे हैं और उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। प्रोजेक्ट सक्षम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को दो पहिया वाहन तकनीशियन के रूप में प्रशिक्षित करना है। इस तरह ये न केवल महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करता है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाता है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1,00,000 महिलाओं को ऑटोमोबाइल उद्योग में सशक्त बनाना है। इंडिया का बहुत ही फर्स्ट और पहला और बहुत ही एक यूनिक इनिशिएटिव है जो उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आगे ऑटोमोबाइल फील्ड के अंदर लड़कियों को आगे लाने के लिए किया है। इसके अंदर अभी हम लोगों ने जो ये प्रोग्राम किया है इसके अंदर जितनी भी लड़कियां हमारे पास आई हैं वो सब 10th और +2 हैं। उनको हमने 3 महीने का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया है और जिसमें से 1 महीने का ऑन दी जॉब ट्रेनिंग है। वो ट्रेनिंग के बाद उन सभी बच्चों को हमने प्लेस करवा दिया है ऑलरेडी। ये लक्ष्य न केवल महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाएगा। हीरो मोटोकॉर्प और ASDC का मानना है कि महिलाओं को ऑटोमोटिव क्षेत्र में प्रशिक्षित करने से न केवल उनके व्यक्तिगत विकास में वृद्धि होगी बल्कि ये पूरे उद्योग के विकास में भी योगदान देगा। कोशिश यही रहेगी कि इन औरतों को डीलरशिप और के यहाँ पे नौकरी मिल जाए। और ये ट्रेनिंग जो दे रहे हैं वो खाली हीरो मोटर की गाड़ी के लिए नहीं दे रहे हैं, ये जनरल ट्रेनिंग है। तो हीरो मोटर के डीलर के यहाँ काम नहीं करके बजाज डीलर के यहाँ या TVS के डीलर के यहाँ कहीं पे भी नौकरी पा सकती हैं। तो इसके लिए हमारी जो ASDC की टीम है वो इन सब हमारे जो FADA के मेंबर्स हैं वो भी हमारे ASDC की पेरेंट बॉडी हैं। तो इसके साथ में कोऑर्डिनेशन करके इन सबको जॉब दिलाने का पूरा कोशिश रहेगा। 3 महीने के इस कौशल प्रशिक्षण के दौरान इन्हें 2 महीने का कौशल प्रशिक्षण और 1 महीने ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। 2 महीने के इस प्रशिक्षण के दौरान इन्हें 2-व्हीलर के सभी पार्ट्स के बारे में बताया जाता है, कौन सा पार्ट्स किस लिए लगा है और उसमें क्या टेक्निकल दिक्कत आती है, सभी के बारे में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों बताया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें नए नए औजारों और सेफ्टी के बारे में भी बताया जाता है। हम लोग का जो एक्सपीरियंस था यहाँ पे सीखने का वो हमें पहले हमें बाइक के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, बट जैसे धीरे धीरे हम आते गए और हमने अपना काम करना शुरू किया, पढ़ाई की, इसके बारे में थ्योरी नॉलेज ली, प्रैक्टिकल नॉलेज ली, तो हमें धीरे धीरे पता चला कि इस फील्ड में ऐसे ऐसे ये काम होते हैं। और फिर हमने यहाँ के जो एनवायरनमेंट वगैरह वो भी बहुत अच्छा था। हमारा सबसे अच्छा था कि हमारे जो ये यहाँ के टीचर हैं वो हमें फुल सपोर्ट करते थे। विमेन एम्पावर को ध्यान में रखते हुए खास तौर पर डिजाइन किए गए इस कोर्स से लड़कियों को भी ऑटोमोटिव फील्ड में अपना करियर संवारने के अवसर मिल रहे हैं। ASDC की इस पहल से उन लड़कियों को अपने सपनों को साकार करने का मौका मिला है जो इस फील्ड में आने के बारे में सोच रही थी। मेरा इंटरेस्ट था, इसको मैंने स्किल पे बदला, तो इससे मुझे तो बहुत बेनिफिट है। फिलहाल तो जैसे कि अब मैं काम करती हूँ तो मुझे काम तो जैसा लगता ही नहीं है क्योंकि इसमें मेरा इंटरेस्ट है और टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और इससे मैं अपने घर वालों को बहुत सपोर्ट कर सकती हूँ, करती भी हूँ मैं, बट अब फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती हूँ, तो जिससे कि मम्मी बहुत खुश होती है कि मेरी बेटी पैसे कमा के लाई है। और आसपास के लोग भी बहुत खुश, मतलब उनको भी लगता है कि हाँ ये काम करती है और वो भी हैवी काम करते हैं। ये प्रशिक्षण पारंपरिक तकनीकों के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी पर भी फोकस है।
महिलाओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक रहते हुए तकनीकी ज्ञान प्रदान किया जाता है कि वो अपने काम के दौरान ऊर्जा की बचत कैसे कर सकती हैं और पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय अपना सकती हैं। 3 महीने में उन लोगों को इतना कुछ सिखा दिया और वो लोग भी इतने कुछ सीख लिए कि पहली सर्विस, सेकंड सर्विस, जब उन लोगों को मैं ऑन जॉब ट्रेनिंग पे भेजा तो वहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन की, और लास्टली 3 महीने बाद उनका अभी फिलहाल उनकी ज्वाइनिंग हुई है और ओखला में TBS में, और वो बहुत ही खुश है और उन लोगों को खुशी देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है कि मेरे पढ़ाए हुए कैंडिडेट स्टूडेंट आज जॉब कर रहे हैं। इससे बड़ी टीचर के लिए और खुशी की बात नहीं होती है। हीरो मोटोकॉर्प और ASTC का ये संयुक्त प्रयास महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये पहल न केवल महिलाओं को रोजगार और प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करेगी बल्कि उन्हें एक सशक्त पहचान भी देगी। इस स्किल्स में ज्यादातर लड़कियों को नहीं देखा गया है। अगर हम लोग करेंगे मतलब लड़कियां आगे बढ़ेंगी, इससे क्या है लड़कियों का हौसला भी बढ़ेगा और उनके पेरेंट्स भी मानेंगे ताकि वो दूसरों को देखे कि लड़कियां टेक्नीशियन बन सकती है तो मेरी बेटी क्यों नहीं बन सकती है। महिलाएं अब पारंपरिक भूमिकाओं से बाहर निकलकर तकनीकी क्षेत्रों में भी अपनी जगह बना रही हैं और ये कार्यक्रम इसी दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DDAapkibaat पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DDAapkibaat पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रयासों से देश में स्किल इकोसिस्टम में जो बदलाव आया है उसके कारण आज युवाओं के हुनर को निखारने के ज्यादा अवसर मिल रहे हैं। बस जरूरत है युवा इनका पूरा लाभ लें। इन्हीं अवसरों की जानकारी देने की कोशिश करते हैं हम अपने कार्यक्रम के जरिए। उम्मीद है आज आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत कुशल भारत। देख रहे हैं DD नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।